नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। जैसा कि दोस्तों आपको बता दूं, कल ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, और उसके तुरंत बाद कुछ और वीडियो आई जिसमें वीडियो में देख रहा था कि व्लादिमीर पुतिन का अचानक दौरा हुआ सीरिया का। बहुत ही सोची कहा जा रहा कि बहुत ही सोची समझी रणनीति है ईरान और रूस की, और इसी रणनीति की वजह से ईरान को एक तरीके से सपोर्ट मिला रूस का। रूस ने सोलिडरिटी दिखाई, यानी कि एक तरीके से एक अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि वो ईरान के साथ खड़ा है, क्योंकि आपको पता होगा कि सीरिया और ईरान बहुत तगड़े अलाई हैं, बहुत बड़े अलाई हैं। और आपको इसकी ये बात जानकर रहना नहीं, क्योंकि कल जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण दिया, अपने देश को संबोधित किया, तो एक बार भी उन्होंने इसका बदला लेने की बात नहीं कही। कारण उसका ये भी कहा जा रहा है कि इसमें रूस की एक तरीके से, जब ये देखा अमेरिका ने कि इसमें रूस खड़ा ईरान के साथ, तो यानी कि अब उसे अपनी रणनीति बहुत सोच समझकर चलनी होगी। इसके अलावा कई और कारण भी थे, जैसे कि एक कारण ये भी था कि ईरान ने साफ कहा था कि अगर इस बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जवाबी कार्रवाई अमेरिका करता है, तो ये तो हमें पता है कि हम डायरेक्ट अमेरिका को हिट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम जो मिडिल ईस्ट में दूसरे शहर है, जैसे कि यूएई का एक शहर है दुबई, उसे हम टारगेट करेंगे। इसके अलावा जो इजरायली शहर है, हम उन्हें टारगेट करना शुरू करेंगे। और इससे भी देखते हुए फिर जो गल्फ कंट्रीज़ के जितने भी अमीर थे, शेख थे, ये मिलने शुरू हो गए अमेरिकी राष्ट्रपति से। अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पियो, उनसे मिलना शुरू हुए, उन्हें कहा कि आप डिस्कलेशन किए, उन पर प्रेशर बनाया। यानी कि ईरान की बहुत सोची समझी टैक्टिक थी, वो कामयाब होती दिख रही है आज की तारीख में, लेकिन ये आगे भी कामयाब होगी इस पर शक है। क्योंकि देखिए, भले ही रूस के जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने रात ये कह दिया कि हम शांति चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि कौन सा देश हमला करने से पहले बताता है कि हम हमला करने जा रहे हैं। यानी कि अभी भी टेंशन बनी हुई है, और इसी को लेकर बहुत सारी चीज़ें अब चल रही हैं। जो फ्रांस के, नॉर्वे के जितने भी लोग हैं, वहाँ से निकलना शुरू हो रहे हैं। ये बात आपको बता दूं कि सभी देशों ने लगभग अपना जो जितने भी उनकी आपको जो यात्री विमान होते हैं, उन्हें उड़ाने से मना कर दिया है गल्फ के ऊपर। उन्हें साफ संदेश दिया उनके देशों ने कि आप रास्ता दूसरा चुने, गल्फ के ऊपर से ना चुने। यहाँ तक कि भारतीय एयरक्राफ्ट भी, जैसे कि एयर इंडिया, उन्हें भी कहा गया है कि आप जो मिडिल ईस्ट में जो रास्ते हैं उन्हें लेने से बचें, उन्हें बाईपास करते हुए जाएं, जैसे कि यूरोप वगैरह कहीं जाना है आपको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि कहा जा रहा है कि अभी भी मामला ख़त्म नहीं हुआ। जैसे कि रूस, कई लोग कह रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डर गए हैं, पीछे हट गए हैं, भले ही उन्हें रूस का भी एक खतरा है, लेकिन फिर भी अब अमेरिका सोच समझ कर चाल चलेगा। क्योंकि अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, अब इस अगर ईरान के साथ लड़ते भी हैं, युद्ध लड़ते हैं, तो वो जल्द ही इसे ख़त्म करना चाहेंगे। वो अगर क्योंकि अगर लंबा चलता है तो वो उनके जितना युद्ध लंबा चलेगा, उतने उनके प्रेसिडेंट बनने के दोबारा चांस बहुत कम होते चले जाएंगे। और इसी चीज़ को देखते हुए, और साथ ही जो अमीर, जो देखिए कहा जा रहा था कि बहुत सारी न्यूज़ एजेंसी थी अमेरिका की, वो साफ कह रही थी कि अमेरिका बहुत बड़ा बदला लेने वाला है, शाम तक ये बात चली। लेकिन फिर जो अमेरिका के दूसरे एलाई, यहाँ तक कि सऊदी भी पीछे हट गया। जी हाँ, ये भी खबर थी, सऊदी भी जो पहले कह रहा था कि हम तो अमेरिका का साथ देंगे चाहे कुछ हो जाए, शाम तक वो भी कहने लगे कि इस मामले को शांत किया जाए, डीएस्केलेट किया जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिका को तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर युद्ध होगा तो उसके शहर जो रियाद है, वहाँ पर बमबारी होगी, और अमेरिका का इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वहीं फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक और बयान दिया, जो मेरे ख्याल में जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिका के एलाई हैं, उन्हें बहुत चुभने वाला है। उन्होंने कहा है कि अब हमें गल्फ कंट्रीज़ के तेल की ज़रूरत नहीं है, और जो हम, क्योंकि अब अमेरिका, आपको पता होगा कि अमेरिका पिछले 4 महीने पहले ही ऑयल के मामले में सेल्फ रिलायबल अपने आप को बना चुका है, यानी कि वो खुद ही जो प्रोड्यूस करते हैं उसी से अपना काम चला लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो सोलर एनर्जी है, इन सभी चीज़ों पर बहुत तेज़ी से काम किया है, परमाणु एनर्जी में बहुत काम किया, तो वो अपने एक तो ऑयल का जो कंजप्शन है उसे घटा चुके हैं, और अपना जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा चुके हैं। यहाँ तक कि भारत को भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है अमेरिका, भले थोड़े मात्रा में, लेकिन कर चुका है। तो यानी कि अमेरिका ये दिखाना चाह रहा है जो दूसरे, जो उसके एलाइज कंट्रीज़ को, कि आपको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, हमें आपकी नहीं, इसलिए इस मुश्किल घड़ी में आप हमारे साथ खड़े होइए। हालांकि अब देखना होगा कि इसमें रूस का और क्या स्टांस आता है। लेकिन एक सरप्राइजिंग बात ही हो रही है कि चाइना बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, उसके भी इंटरेस्ट हैं, उसके भी ऑयल सप्लाई रुक सकती है अगर युद्ध होता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा उसके बयान नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस मसले पर जितने भी आपको कवरेज इस चैनल पर मिलती रहेगी, जितने भी इस पर अपडेट आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही बेल आइकन भी आप दबा लीजिएगा ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने पर फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।